यो ही हो तुम, ऐसे फिकर मत करो मेरी बहनाएं, चिंता मत किया करो। अरे बच्चों की चिंता किया है, बच्चे स्कूल में गए हुए हैं। और कुछ बोलो, हमारे देश के भविष्य में भी इसको सोचो। चिंता इसलिए करते हो कि आजकल के भाइयों ना अपनी बहनों को घर में नहीं जाने देते। नहीं नहीं, घर में क्यों नहीं जाने देते हैं? ये कौन है? ये कौन है? तो मेरा भाई है। मैं इनका छोटा मुन्ना, छोटा प्यारा भाई, छोटा वाला हूँ। मैंने तो सोचा ये आशिक है तुम्हारा। नहीं, मेरे पीछे पीठ पीछे गुल खिलाती हो तुम। गुल नहीं, गुलशन। बड़ा कॉमेडी है तुम्हारा भाई है? इतने दिन से कहाँ था, मुझे मिला ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो बहुत दूर निकल गया था, मुझे तो शायद आपकी मोहब्बत ने यहाँ पे पहुँचा दिया है। पकोड़े बनाओ, चाय बनाओ, तुम्हारे भाई आया है, खर्रा खर्रा लेके आओ। मेरे दिल में थोड़ा सा उमंग की लहर उठ रही है। मैं लेके आता हूँ। क्या दीव लेके आ रहे हैं? ऐसा मत करो, थोड़ा सा दीव के साथ नाश्ता भी लेके आओ। ऐसे लोगों से, ऐसे बेचारों से बच के ही चलना है। हाँ, उधर उधर चलना है। हेलो, दोनों साइड में चलना है। यह हूँ मेरी बहना, पर एक बात ये समझो तो, कि आजकल हम और हमारे जब जीजा श्री जब कहीं पे मिलते हैं आपको, तो वो आपके साथ गलत बर्ताव तो नहीं करते, दुख और सुख तो नहीं रखते हैं? ये बताइए, सुखी हो गए आप? दुखी हो? मैं तो सुखी हूँ। मुझे भाई को बता देना, मैं उसकी नडी तोड़ दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पहलवान हूँ। मुझे बताओ, उधर देखो, उधर नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं, हम अच्छे हैं और अच्छे से रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। देखो, अगर बहन भी खुश रहती है तो हमारे जैसे भाई भी खुश रहते हैं। और अगर बहनों को दुख होता है ना, बहनों को दुखाए दुख होता है, तो फिर हमको भी दुखी होना पड़ रहा है। पर आप ये सोचो, आज वो कहाँ गए हुए हैं? वो ठंडा लेने के लिए गए हैं। अगर आप जैसे भाई अगर दुनिया में हो गए ना, तो कभी कहीं किसी बहनों को दुख नहीं होगा। यही तो हम सोच समझ के हम कहते हैं कि आजकल हमारा देश इससे भाई हो तो इनके जैसा, हमारा देश इससे आगे चल रहा है, क्योंकि हमारी बहने हैं, तो हमारी बहने भी हमारे देश के ऐसी मुखिया हैं कि आजकल हमारे देश को भी आगे बढ़ा रही हैं, हर चीज हर कदम में भी आगे हैं। आजकल का भाई कैसे हैं कि अपना वैसे हुए मुंह बोल लेते हैं, पर भाई हो नहीं, 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 नहीं। पैसों की कौन है कि वो कहते हैं जख्म तलाश करते हैं है? आइए आइए, आप आइए आइए, हमारे पास आइए। बात रिश्तेदार आए हैं यार, क्या पिलाओ, क्या क्या लेके आए हो? आज तो हमारा दिल उमंगों की लहर में जा रहा है। अच्छा, कहाँ छुपा के रखा था? मेरे भाई आए हैं, ये छोटा सा लाए हो, और आपके भाई आए हो तो तुम बड़ा वाला लाते हैं। क्यों, पागल हो क्या? फर्क क्या है? ये मेरे भाई है, इसीलिए। शाम को ना ठेका खुलेगा, वहाँ जाके दोनों पियेंगे। ठेका? हाँ, तुमने मेरी मन की बात कह दी तुमने। वहाँ तो पकौड़े भी खाऊंगा मैं। पर ऐसा है भैया, फूल शबनम तलाश करते हैं, जख्म मरहम तलाश करते हैं, जब कोई आसरा नहीं मिलता, हम तुम्हारा गम तलाश करते हैं। इसको पता नहीं लगना चाहिए, पकौड़े भी बनवाएंगे वहाँ पर। पकौड़े पता कैसे लगेगा, अपन चुपचाप से खाएंगे। और खुशबू इतनी, पकौड़ों की गरम मसाले खुशबू और भयंकर होती है, पता तो लगेगा ही। इसी के पर्स से पैसे लेके चलूंगा। ये रोज देते हैं मुझे पर्स से। हमारी बहन के पैसे तुम ले जाओगे? रोजाना चुराती है जेब से मेरे से। तुम्हारा होता रहता हूँ तो कपड़े में से निकाल लेती है। तुम्हारा रोज नहीं चुराती है, रोज डेली चुराती है, तुम्हें पता ही नहीं? क्या बात है, ये तो मैंने आज जिंदगी में पहली बार सोचा है कि रोज ही चुराती है।
पैसे पैसे को चुराए हुए तो 10 साल हो गई है। दिल की बात है, 10 साल हो गए उसको चुराए हुए, झेल रहा हूँ इसको 10 साल से। 10 साल से तुम झेल रहे हो, मेरी बहन तुमको झेल रही है, तुम नहीं झेल रहे हो। साला ठर्रा पिलाऊंगा, ठर्रा पिला पिला के मुझे मेरी बहन से लड़वाएगा। हेलो भाई, हाँ 7 बजे ठेका बंद कर लेना। मेरा भाई ना आज तो 7 बजे ठेका बंद करवा रहा है। अरे भैया अलवर वालों, अरे हमारे पीने वाले जितने भी दोस्त हैं सब आऊ हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं होने दूंगा तुमको। मेरे जितने दोस्त हैं ना अलवर वाले में बहुत है, क्योंकि आजकल हमारे फर्स्ट अलवर में बहुत ज्यादा ये बिक रही है। क्या भाई तुमने 7 बजे का नाम कहाँ लिया था? अभी तुम अपना बहन का तरफदारी कर रहे थे ना। हाँ हाँ, इसीलिए। साला इतना तो चलता है ठेका, 7 बजे बंद हो जाएगा, कहाँ से पिएगा? ठेका बंद हो जाएगा, मैं किसी कलारी वाली के पास जाके पीऊंगा। मुझे कहाँ कहाँ बंद करोगे? अरे सुनती हो, तुम्हारा भाई पता है कहाँ कहाँ जा रहा है? ये कह रहा है मैं वहाँ चले जाऊंगा कोठे वाली के पास। आप लेके जा रहे हो तभी तो जा रहा है ना। मैं लेके जाऊंगा, मैं ठेके वाले के पास बोला है, कोठा बोल रहा। मुझे क्या पता आप दोनों जा रहे हो, आप लड़ रहे हो खुद पर, लड़ क्यों रहे हो? मैंने बोला बहना, मैंने कहा भाई मैं ठेके पे नहीं जाऊंगा, और ये कह रहे हैं कि तुम कोठे पे जाओगे। हैं अब कोठे वाली और ठेके वाली कितनी बातें, कितनी फर्क है? तुम दोनों जानो, तुम दोनों जानो, हम क्या जाने। दोनों जगह जाना जरूरी है, है? पता है दोनों जगह जाना ये जरूरी तुम आए हो ना बहुत दिन में, तो ये मैं पार्टी उसका नहीं दिया। अच्छा मेरा नौकरी लग गया क्या? मैंने पुलिस का नौकरी छोड़ दिया। पुलिस का छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया, झाड़ू का नौकरी पकड़ लिया। पुलिस का इसलिए छोड़ दिया कि जो लोग आते हैं तो क्या कहते इससे, पुलिस वाले की घरवाली पुलिसिया। अच्छा, और फिर मैंने छोड़ दिया डॉक्टर का। डॉक्टर क्यों, किसको कहते हैं डॉक्टर? नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया कलेक्टर का, क्योंकि लोग इसको ही कहते कलेक्टर नहीं। कलेक्टर नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया मास्टर की नौकरी, डंडा वाला बोलते इसको मास्टर नहीं। मैंने साला डाकिया का नौकरी किया। डाकिया? जब तक मेरी बहन को सोने नहीं देते रात भर ठप्पा ही ठप्पा लगाते रहते हो। तो बोलेंगे ना डाकनी। नहीं, ये तुम ठप्पा ही ठप्पा लगाते हो जो मेरी बहन को ठप्पा 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 जो नींद नहीं आती, इसलिए तुम कलेक्टर जी की नौकरी करते तो मेरी बहन को कलेक्टर नहीं होती। बड़ी शान से कहते कि मैं कलेक्टर की बीवी हूँ। भाई मेरे लिए तो यही बहुत है, डाकनी बोलेंगे इसको लोग। डाकू बोलेंगे, सबसे बहना डाकू नहीं बोलेंगे। डाकू के पास तो डिश्कियां बड़ा बड़ा हथियार होता है, आपको ये बोलेंगे डाकिया की डाकिया, डाकनी डाकनी डाकिया। सारा पैसा चुरा लेती है जेब से, पूरा पैसा जेब से चुराती है हमारी बहना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं देते हो तो काय को मोहर लगा है क्या इसके ऊपर? मेरे घर के अंदर खूब पैसा पड़ा रहता है, हमारी बहना 1 रुपया नहीं चुराती, और उसमें भी ये कहते हैं कि भैया हमें 20 रुपये दे दें, और हम उनको ये कह देते हैं बहना तुम ले लो। पक्का चोर नहीं है, पक्का चोर नहीं। देखो मेरी बहन को पक्के चोर नहीं कहेगा, चोरनी 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 नहीं कहेगा, चोरनी नहीं नहीं, मेरी बहन चोर नहीं है, बड़ी ईमानदार है, साहूकार है, ईमानदार है। 10 साल पहले जब तुम लोगों ने रिश्ता किया था तो इसने मेरा दिल चुरा लिया। चोरनी? दिल चुरा लिया, चोरनी हुई? दिल तो तुम्हारा जिस टाइम आया था ना, तुम शुरू स्टार्टिंग में जब तुम्हारा तिलक दिया था तो चोरनी तो हुई बाबू, चोरनी हुई।
तो इसका मतलब कि हमारी बीबी भी हमारा ही दिल चुरा के रख सकती है। हमें तो आज पता पड़ा है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बहुत बड़ा है क्या दिल, दिल वो हम इसको बिठा के रखे हैं। हमने तो ये सोचा कि अलवर का घंटाघर बहुत बड़ा है। अलवर के लोग भी बहुत बड़े हैं। हाँ, दिल बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ? दिल उनका इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसको नापो, इतना बड़ा इसको यहाँ दबा के रखा है मैंने। सीने में? हाँ।